नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अभिषेक सिंह के साथ। और मैं आज आपसे बात करूंगा किसानों के मुद्दे पर, क्योंकि इस समय देश की राजधानी में किसान 10 दिन से अड़े हुए हैं। कृषि कानून जो नया आया है उसी में बदलाव के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, जिसको लेकर के चारों तरफ चर्चाएं चल रही हैं। कोई उनका समर्थन कर रहा है तो कोई उनका विरोध कर रहा है। उन्हें देश विरोधी, खालिस्तानी जैसे तमाम तगमे दिए जा रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम बात करेंगे। बात किसानों की है तो आप मेरी तरफ जो चारों तरफ माहौल देखेंगे, मैं पूरे खेत में बैठा हूँ अपने ट्यूबवेल पे। मैं खुद किसान परिवार से हूँ, किसानी करता हूँ, थोड़ा बहुत लिखता पढ़ता हूँ जिससे जीविकोपार्जन चलता है। तो बात करते हैं जो किसान आंदोलन चल रहा है देश में इस समय। ये 3 नए कृषि कानून आए हैं जिसमें मूलतः प्रावधान है कि जो मंडियाँ हैं उनसे बाहर खरीद होगी। जो व्यापारी थे उनको इससे पहले डंपिंग की अनुमति नहीं थी, अब भारी मात्रा में बाहर कहीं कोई निजी व्यक्ति डंपिंग कर सकता है। इसके साथ ही खेती को अब बड़ी कंपनियां किसी किसान से लेकर के कंट्रैक्ट के द्वारा करेंगी। ऐसे ही तमाम मुद्दे हैं जो सरकार ने किया है, और सरकार का कथन है कि इससे किसानों का लाभ होगा। लेकिन किसान का तर्क है कि इस 3 कानून में सबसे बड़ी बात है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसका जिक्र नहीं हुआ। इसके साथ ही सरकार निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए ये काम कर रही है, मंडी समिति को ख़त्म करना चाहती है। इसी को लेकर के किसान विरोध कर रहे हैं। सरकार तर्क दे रही है कि इनको विपक्ष द्वारा भड़काया गया है, ऐसे तमाम चीज़ें तर्क दे रही है। उसके बावजूद सरकार कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दे को लेकर के अब नरम पड़ती जा रही है। बात कुछ लोग कर रहे हैं किसान बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं किसान इस बिल को पूरी तरीके से समझ चुका है। लोग कह रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा के लोग विरोध कर रहे हैं भारी मात्रा में, तो जाहिर सी बात है पंजाब और हरियाणा के लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जो देश में आज अन्न का उत्पादन होता है उसमें से 70-80% अन्न का उपज जो होता है वह होता है पंजाब में। पंजाब की मंडियों में ही धान खरीद करके और देश के चारों तरफ सप्लाई किया जाता है। तो जो हरित क्रांति का सबसे तेजी के साथ विस्तार किया देश में अन्न उत्पादन किया, तो मतलब कि पंजाब और हरियाणा किसान कृषि में पूरी तन्मयता के साथ जुटे रहते हैं, अन्न उपजाते हैं और मंडियों में बेचते हैं। बात किया आपको, मंडियों में बेचते हैं, जी हाँ, मंडियों में इसलिए बेचते हैं कि वहाँ मंडियों में उन्हें अच्छा दाम मिल जाता है, जिससे वो अपनी फसल को, उपज का जो होता है, अच्छा प्रॉफिट होता है और अपने भरण पोषण करते हैं, अपना आगे खेती में करते हैं, अपने तमाम चीज़ों को करते हैं। और इसीलिए किसान अब डर गया है कि जो नया कानून है उसमें मंडी समितियां ख़त्म हो जाएंगी, जो निजी कंपनियां हैं उनको बढ़ावा दे दी जाएगी, जिससे उनको अपने फसल का उचित दाम नहीं मिल पाएगा। किसान क्यों डरा है, क्योंकि इस समय धान का सीजन चल रहा है। पंजाब किसान MSP बेच लिए, हरियाणा बेच लिए, यूपी में तो पूरी तरीके से नहीं, फिर भी यूपी में खरीद हो रही है। बात करते हैं बिहार की, क्योंकि बिहार में 2006 में भाजपा और नीतीश कुमार मिल करके जो ये मंडी प्रणाली थी उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिए और निजी कंपनियों को छूट दे दिए कि वो खरीदारी करें। ऐसे में आज बिहार में जाएंगे तो आप जो धान की खरीद की जा रही है वहाँ पर 10 से 12 रुपए में खरीद की जा रही है। तो आप कयास लगा सकते हैं, जो किसान इस महंगाई के ज़माने में लागत, खून पसीना लगा करके और अपनी उपज को 10 से 12 रुपए में बेचेगा तो उसको कितना खर्च आएगा। बस इसी बात का डर अब पंजाब के किसानों को हो गया है कि केंद्र सरकार ने जो ज़बरदस्ती कानून लाया है यह पूरी तरीके से मंडी प्रणाली को ख़त्म करने के लिए लाया गया है, जिससे मंडी रहेगी नहीं, न किसानों को MSP पे उनका फसल का उत्पादन बिकेगा। तो जाहिर सी बात है निजी कंपनियां राज करेंगी और किसान पूरी तरीके से कंगाल हो जाएगा। इसी को लेकर के अब किसान आंदोलन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सरकार नरम हुई है। एक मामला देखने में आ रहा है, लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि ये किसान कैसे हो सकते हैं, इतनी महंगी महंगी गाड़ियों से आ रहे हैं, ये अंग्रेजी लिखे पढ़े हैं, तमाम अंग्रेजी में बातें कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, किसी के द्वारा, विपक्ष के द्वारा फंडिंग की जा रही है। तो जनाब आपको गौर करना चाहिए कि पंजाब के जो किसान हैं, किसान परिवार से आते हैं, उनके घर के लोग बाहर विदेश में रहते हैं, कनाडा, USA जैसे शहरों में रहते हैं और कमा करके पैसे
अपने घर भेजते हैं, तो उनके घर के जो परिवार सदस्य होते हैं तो महंगी गाड़ियों चलते हैं, और उसके साथ ही उनके पास जो खेती होता है उससे भी अच्छी खासी उनका आय होता है। तो उसके बदले तो चमकती गाड़ियों चलते हैं, बकायदा ठाट बाट चलते हैं, जिसको लेकर के जो हमारा एक सामंतवादी सोच का जो हमारा व्यापारी वर्ग है वो चिढ़ा हुआ है। वो सोच रहा है कि किसान परिवार का व्यक्ति कैसे इतना धनाढ्य हो गया। और बात करते हैं हम यूपी बिहार की, जो पूर्वांचल क्षेत्र बोल सकते हैं, भोजपुरी बेल्ट, यहाँ के किसान शांत पड़े हैं। यहाँ किसानों की शांति की वजह एक बात है कि यहाँ पहले तो सबसे बड़ी बात छोटी जोत है, जो खेती करता है वो पूर्वजों खेती है इसलिए वो खेती करता है, न कि उससे इनकम के स्रोत के लिए। तो वो खेती कर लिया, धान बिक गया तो भी बढ़िया, सस्ते में चला गया तो भी बढ़िया, उसे कोई गम नहीं होता है। ऐसे में वो कृषि जो सरकार की मंडियां उंडियों को लेकर के आक्रोशित तो है, उसका धान नहीं बिक रहा है, परेशान है, लेकिन वो विरोध की आवाज़ नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि इस जो हमारे क्षेत्र में पूर्वांचल के घर के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, वो जा करके दूसरी जगह मजदूरी करके जीविकोपार्जन कर लेते हैं, अच्छी खासी कमाई भी कर लेते हैं, उसी में खुश हैं। लेकिन पंजाब और हरियाणा का जो किसान है वो स्वाभिमानी है, अपनी मातृभूमि से प्यार करता है, अपनी जन्मभूमि से प्यार करता है, ऐसे में वो कमा के घर भी देता है और घर के लोग पूरी तन्मयता से खेती में जुड़े रहते हैं और एक अच्छा खासा जीवन व्यतीत करते हैं। और हमारे पूर्वांचल के लोगों से इसलिए उम्मीद नहीं की जाती है कि ये जो 6000 रुपया सरकार जो दे रही है इसी में खुश हैं, उन्हें खेती किसानी से मतलब नहीं है। तो जो लोग कह रहे हैं किसान नाजायज विरोध कर रहे हैं, उन्हें कृषि कानून के बारे में जानकारी नहीं है, तो ऐसा कुछ है नहीं। जो किसान है इस समय एक तीनों कृषि कानून से पूर्णतः अवगत हो चुके हैं। किसान अब पढ़ा लिखा है, जैसे कि लोग शहरी लोग सोचते हैं एसी कमरे में बैठे लोग कि किसान अनपढ़ है, तो ऐसी बात नहीं है। जो अब तक की सरकार रही है, हम भाजपा की सरकारों को जोड़ सकते हैं, हमारे देश में शिक्षा का माहौल बदला, गाँव में स्कूल खुले, ऐसी विश्वविद्यालय बने जहाँ पर किसान का बेटा गया और कम से कम पैसे में अच्छी शिक्षा लिया, आज वो पढ़ लिख लिया है, वो देश के संविधान को जानता है, जो नीतियाँ बनती हैं उसको समझता है, तो वह सवाल आपसे करेगा। आज जब आपसे सवाल करेगा, अपने फसल का वाजिब दाम मिलेगा, तो आपको नापसंद आएगा। तो जाहिर सी बात है, आपको नापसंद आए या न आए, किसान अपनी हक की आवाज़ बुलंद कर रहा है। और आप देखेंगे तो अब तक जो किसानों का आंदोलन रहा है, ये देश का यूं कहें तो सबसे बड़ा कृषि आंदोलन बनता जा रहा है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसानों ने तो आवाज़ उठाई, लेकिन अब आप देखेंगे यूपी के जो किसान हैं वो भी किसानों के समर्थन में उतर चुके हैं, महाराष्ट्र के किसान भी अब किसानों का आ चुके हैं, वही कर्नाटका, एमपी, यानी कहें तो पूरे देश के किसान इस आंदोलन में सम्मिलित हो रहे हैं। और जो सम्मिलित नहीं हो रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं मन से इनके साथ हैं, वो सरकार की नीतियों को समझ रहे हैं। और मैं उन लोगों से बात करना चाहूँगा जो एसी कमरों में बैठे हैं और ये आवाज़ उठाते हैं कि हम भी किसान परिवार से हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जनाब, आप वैसे किसान परिवार से हैं जो कभी आप खेत में नहीं डालते हैं, आपके पास जोत है, आपके पास 100 बीघे खेत हो सकते हैं, आप इसी का बहाना देते हैं, लेकिन आप खेती पर नहीं आश्रित हैं, आप या तो खेती को अधिया बटिया दे दिए हैं या तो ऐसे बेमन खेती करते हैं, क्योंकि आपको खेती से लेना देना नहीं है। आप कृषक हो सकते हैं लेकिन किसान नहीं हो सकते हैं। किसान वही होता है जो खेत में फसल उगाता है, ठंड गर्मी जाड़ा बरसात के समय में अपनी उपज का उत्पादन करता है, तमाम ओले पड़ते हैं, तूफान आता है, फसल नष्ट होती है, तमाम परिस्थितियों विषम परिस्थितियों के बावजूद जो फसल तैयार होती है, जब उसको